तो चलिए उसन, फाइनली हमारे पास ए लेवल का जो आज का पेपर आपका हुआ है 9.3, यानी कि नेटवर्क मैनेजमेंट का जो आपका टॉपिक है उसका पेपर हमारे पास आया, उसका सलूशन हम लोग करेंगे। और काफ़ी इजी पेपर आपका रहा है, और उसका जो भी गेस क्वेश्चन आपको करवाए गए थे ए लेवल के, 3 अगस्त को आपका मॉर्निंग सेशन में हुआ है 9 से 12 के बीच में, ठीक है। और इसका जो गैस आपको 1 मंथ बिफोर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ये आपने देखा होगा तो इजीली आपको सारे क्वेश्चन उसमें एग्ज़ाम में मिल गए होंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने आपको कराया था 9.3, ये है A11 9.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन आपको यहाँ पे 1 मंथ बिफोर ही करवा दिए गए थे। अगर आपने ये देखा होगा तो गैस पेपर के जो भी क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ मिल गए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को जिस प्रकार से, थोड़ा सा क्लियर नहीं है लेकिन मैनेज कर लीजिएगा, हम फटाफट टिक करा देते हैं इसमें। तो पहला आपका पूछा गया है 9.3 का आपका ये पेपर है, ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट का, और इसी का सोल्यूशन हम आपको करवाएंगे क्योंकि ये हम आपको रिकमेंड करते हैं, और इसकी हमारे पास वीडियो क्लास भी और कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेटा लिंक प्रोटोकॉल आपको बताना है। तो अब इसमें से बहुत से लोगों ने TCP/IP को सिलेक्ट किया होगा क्योंकि डेटा लिंक है, लेकिन डेटा लिंक के संदर्भ में HDLC का नाम भी आता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन होगा बी, उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ HDLC, ठीक है, तो HDLC जो आपका है ये भी आपका एक प्रकार का जिसको बोलते हैं हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, ठीक है, जो कि आपका कनेक्ट होता है किसके साथ, एक डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल आपका कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बनेगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा HDLC, ठीक है। नंबर 2 है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट का रिसोर्स लोकेशन इसमें क्या होता है, रिसोर्स आपका देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया बनाया गया है, लोकेशन रिसोर्स लोकेशन पूछा जाए तो रिसोर्स लोकेशन आपका क्या होता है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 है, SMTP इज़ ए विच लेयर। तो SMTP आपका जो है इसकी जो लेयर होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर में होती है, क्योंकि हमारा मैसेंजिंग का ये सॉफ्टवेयर है, आपका पोर्ट है बेसिकली नेटवर्क लेयर में, सॉरी एप्लीकेशन लेयर में आता है आपका, और ये जो भी आपके मैसेंजिंग है उसके लिए ये आपका काम करता है। तो जितनी भी मैसेंजिंग की सर्विसेज वो आपके ऐसे एप्लीकेशन में ही काम करती हैं, ठीक है, मैसेज भेजने के लिए। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है आपका, जो है डी इसका ऑप्शन सही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4 है, 4 चैनल आर मल्टीप्लेक्सड यूजिंग TDM, इफ़ ईच चैनल सेंड कर रहा है आपका 100 बाइट पर सेकेंड एंड वी मल्टीप्लेक्स 1 बाइट पर चैनल, देन दी आपका जो बिट रेट होगा वो कितना होगा। तो देखिए एक, तो देखिए ईच चैनल आपका जो सेंड कर रहा है 100 बाइट पर सेकेंड और वी हैव 4 चैनल है, ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 4 चैनल, ठीक है। 4 चैनल को जब 100 बाइट से हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 400 आएगा, ठीक है, तो 1 बाइट में हमारे 8 है तो 4 × 8 करेंगे तो 3200 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली 100 बाइट पर सेकेंड है, तो और यहाँ पे चैनल हमारे कितने बोले गए हैं, 4 चैनल बोले गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपका जो आंसर 3200 होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है, सिर्फ 100 बाइट को लेकर के 100 का मल्टीप्लीकेशन 4 से कर दिया, 400 पर टिक कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं होगा, ये तरीका है, देख लीजिए यहाँ पे ई चैनल आपके 100 बाइट पर सेकेंड है, तो हमारे पास 4 चैनल है, सो टोटल बाइट पर सेकेंड हमारे पास 4 चैनल, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 400 आएगा, और 1 बाइट में हमारे 8 बिट होते हैं तो टोटल बिट पर सेकेंड कितना हो जाएगा, 400 का 8 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3200 बिट पर सेकेंड, यानी कि BPS आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी वाला। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड सिग्नल कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन इन अ क्लोज्ड एरिया यूजिंग प्रोपोगेशन इज कॉल्ड लाइट ऑफ साइट। ये कई बार रिपीटेड आपका हुआ है, ठीक है, लाइट ऑफ साइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है नंबर 6, नंबर 6 बहुत ईजी है, द बिट रेट ऑफ सिग्नल इज 3000 BPS है, इफ ये आपके जितने भी ईच सिग्नल यूनिट कैरीज करता है 8 बिट, तो द बाउड रेट ऑफ द सिग्नल आपका कितना हो जाएगा। सिंपल सा है, 6 से जो है ये 3000 को हम क्या कर देंगे, डिवीज़न कर देंगे, ठीक है, 3000 है आपका, इसको हम 6 से कर देंगे डिवीज़न, 6 × 5 हो जाएगा हमारा 30, और यहाँ पे आ जाएगा 500 बाउड पर सेकंड इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डेटा इनक्रप्शन टेक्निक्स आर पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर, तो यूज़ की जाती है किसके लिए, ए हो जाएगा इसका प्रोटेक्टिंग डेटा इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर है,
बोथ होस्ट एंड राउटर आर टीसीपी ऑब्लिक आईपी प्रोटोकॉल, हाउ एवर राउटर डू नॉट यूज़ प्रोटोकॉल फ्रॉम ऑल लेयर। ठीक है, तो जो आपकी लेयर होंगी विच प्रोटोकॉल आपकी नीडेड करेंगी, तो इसमें हो जाएगा आपका ए हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, नंबर 9 है इन विच राउटिंग मेथड डू ऑल दी राउटर हैव अ कॉमन डेटाबेस। तो सभी कॉमन डेटाबेस किस में होता है, लिंक स्टेट डेटाबेस में, कितने में, लिंक स्टेट राउटिंग में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी लिंक स्टेट राउटिंग। नेक्स्ट है नंबर 10, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट आर यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप होता है किसमें, सिंक्रोनाइजेशन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे, बहुत इजी है। पहला है दी इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब आर इसेंशली द सेम थिंग्स, तो इसमें हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, आपके दोनों सेम नहीं है, इथरनेट इंटरनेट आपका अलग है, वर्ल्ड वाइड वेब आपका अलग है। ठीक है, इसके लिए हमने आपके लिए यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का शायद ही नहीं, ट्रू एंड फॉल्स का तैयार नहीं किया है, एक पीडीएफ आपको बना देंगे उसमें पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा ये। इन आ पीयर टू पीयर नेटवर्क एनी क्लाइंट कंप्यूटर कैन आल्सो, तो ये हो जाएगा ट्रू आपका, तो यहाँ टिक कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा फॉल्स, टू और आप लिख देते हैं यहाँ पर, ईजी रहेगा आपको समझने के लिए। सॉरी, पहला होगा फॉल्स, दूसरा होगा ट्रू। ठीक है, ए सर्वर कैन रन ऑन अ वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ठीक है ट्रू हो जाएगा। जिटर रिफर टू द वेरिएशन इन द पैकेट एरियबल टाइम, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नंबर 5 है वायरलेस नेटवर्किंग इज़ अ सिक्योर, नहीं बिल्कुल सिक्योर नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। नंबर 6 है वाइड एरिया नेटवर्क आर प्राइवेट थर्ड पार्टी मैनेज नेटवर्क डेट आर इमोशनल इकोनॉमिकल बिकॉज दे आर शेयर्ड बाई मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए वाइड एरिया नेटवर्क पहली बात तो आपका प्राइवेट नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इस प्योर अलोहा दी वल्नरेबल टाइम इन ट्वाइस द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, 2.7 है, ट्रू हो जाएगा आपका, ये टी लिख लीजिए यहाँ पे। इन एटीएम द साइज ऑफ सेल इज ऑफ 51 बाइट, तो ये हो जाएगा फॉल्स, 51 बाइट नहीं होता है, 53 बाइट होता है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन परमिट डेटा ट्रांसफ़र इन बोथ डी डायरेक्शनल सिमल्टेनियसली, इसमें हो जाएगा आपका फॉल्स, बोथ नहीं आपका डायरेक्शन नहीं होता है हाफ डुप्लेक्स, बल्कि फुल डुप्लेक्स में आपका जो है बोथ डायरेक्शनल में आपका सिमल्टेनियसली होता है, यानी कि सेंडर भी होगा रिसीव भी होगा। 2.0 थ्योरी वाली क्लास में बताया गया आपको, और जो गैस पेपर बताया था उसमें भी हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स हमने बताया था। 2.10 यानी 2.10 है, ए बर्थ एरर मीन्स डैट टू और मोर बिट इन द डेटा है यूनिट हैव चेंज, तो बिल्कुल ठीक है, जब दो से ज़्यादा रहोगे तो डेटा यूनिट आपका चेंज हो जाएगा। तो इस संदर्भ में आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं, तो जितने भी आपको 20 में से मिले हों वो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और 20 में से कम आपको 20 लाने ही हैं, क्योंकि अगर 40 में से 20 नहीं आएंगे तो सेकेंड पार्ट आपका चेक नहीं होता है, ऐसा कि प्रावधान आपका नायलट का चल रहा है काफ़ी सालों से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 2G, देखिए नेटवर्क यहाँ पूछा जा रहा है, तो 2G नेटवर्क आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ई ऑप्शन देखिए बनेगा। 2G जो नेटवर्क था उसमें आपके 20 kbps की स्पीड आपको मिलती थी, कितनी मिलती थी, 20 kbps, तो यहाँ पे 20 ऑप्शन बन जाएगा। फुल डुप्लेक्स आपका क्या होता है, फुल डुप्लेक्स आपका जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, अगर हम आपको एग्जाम्पल दिखाएँ, इसकी हमने थ्योरी बना कर रखी है आपके लिए, तो फुल डुप्लेक्स देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन अलाउ सिमल्टेनियसली डेटा ट्रांसफर इन बोथ डायरेक्शन, तो इसके जो कोर फंक्शन आपकी होती है वो कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। हम इसमें नंबर डाल देते हैं, तो पहला जो हो जाएगा नंबरिंग आपका वो हो जाएगा ई, फुल डुप्लेक्स का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, राउटर बोल रहा है, राउटर आपका कनेक्ट हो जाएगा किससे देख लेते हैं एक बार, तो राउटर आपका जो है वो कनेक्ट होगा यहाँ पे, चलिए राउटर वाला अभी हम ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पहले सर्किट स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग का आपका जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या, एफ हो जाएगा सर्किट स्विचिंग का, एफ में देख लीजिए क्या है, सर्किट स्विचिंग यानी कि आपका जो है टेलीफोन नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसका एफ हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर है आपका 3.5, ऑप्टिकल फाइबर का जो हो जाएगा लाइट वेव होता है आपका, इसमें लाइट कितना वायर होते हैं। CRC है आपका, ये चैट की मैसेजिंग ऐप होती है बेसिकली, तो और ये किस लेयर के अंदर काम करती है, डेटा लिंक के अंदर काम करती है, तो ये हो जाएगा L। ठीक है, कितना नंबर है, 6 नंबर है। ठीक है, L हो जाएगा।
उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपके हर्ट्स में नापी जाती है, तो ये हो जाएगा ए। आर ए आर पी है तो आर ए आर पी इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट है। एल हो जाएगा इसमें, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको मिटा लीजिए। डेटा लिंक लेयर में आपका आई के बाद जे है, तो डेटा लिंक लेयर का ऑप्शन किस में आएगा आपका सी आर सी में, सिक्स है, तो यहाँ पे कर लीजिए आप इसको जे कर लीजिए, सी आर सी का जे कर लीजिए। यहाँ पे जे में डेटा लिंक लेयर है, ये आपका जे है, ठीक है। और इसका जो जाएगा एल हो जाएगा, एल में देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है। एल में आपका दिया गया फिजिकल टू लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास टीसीपी, तो टीसीपी आपका होता है क्या, एम हो जाएगा इसमें, टीसीपी में और यूडीपी, ठीक है। टीसीपी और यूडीपी आपके जो हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में आते हैं, तो यहाँ पे एम टिक कर लीजिएगा, टीसीपी का कनेक्ट होगा यूडीपी पे। और एफटीपी आपका डी से चला जाएगा, यानी कि एफटीपी आपके एक तरह से मैसेंजिंग ऐप है जिसके माध्यम से आप जो है सेंड करते हैं डेटा को सर्वर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं थ्योरी के माध्यम से, अगर आपको समझ में आए तो देख लीजिए। टीसीपी और यूडीपी आपकी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर से कनेक्ट होती हैं, और एफटीपी जो है आपका डी मैसेंजिंग, यानी फाइल ट्रांसफ़र फाइल फ्रॉम अ मैसेंजिंग, ठीक है। और एक आपका रह गया है फिजिकल हो जाएगा बेसिकली, हाँ ये वाला जो है राउटर का जो जाएगा आपका फिजिकल लेयर में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राउटर का फिजिकल लेयर, राउटर का फिजिकल लेयर में कनेक्ट कर लीजिएगा एच में, ठीक है। तो इस संदर्भ में इसके ऑप्शन बनेंगे, अगर कुछ होगा मिस्टेक तो हम लोग बाद में करेक्शन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। फिलहाल कोशिश यही कि 100% करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड किया जाए। पहला देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, इज़ आ कनेक्शन लेस ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो कनेक्शन लेस आपका कौन सा होता है, यूडीपी होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा एफ यूडीपी। देयर इज वेल नोन पार्ट असाइन एंड कंट्रोल बाई ICANN, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें बेसिकली 1024 होते हैं, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 1024। अभी देख लीजिए थ्योरी इसका बता देंगे। द इंटरनेट इज़ एग्जाम्पल ऑफ, जी हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन जी, देखिए क्या दिया क्या है, वैन हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। टू अचीव स्टेबिलिटी इन CSMA / CD बैक ऑफ स्कीम आर टेक्निक नोन एज, इसमें हो जाएगा के आपका बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, ठीक है, के टिक कर लीजिए इसमें। नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5। नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैश टोपोलॉजी नेटवर्क ऑफ एन नोड इज, तो देखिए सिंपल सा है, नोड यहाँ पूछे गए हैं, तो नोड इसमें एक ही दिया गया, n n-1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट है नंबर 6 है, पोर्ट नंबर ऑफ POP का पोर्ट नंबर कितना होता है, यहाँ पे देखिए दिया गया है ऑप्शन में, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है 7, एम हो जाएगा इसमें, पोर्ट नंबर इसका क्या होता है, बेसिकली आपका एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा। POP का देखिए यहाँ पे 80 दिया, 80 आपका HTTP का होता है, ठीक है, 110 भी इसमें दिया गया है, लेकिन POP का पोर्ट नंबर, एक सेकंड देख लेते हैं, हो सकता है इसमें ऑप्शन ये भी हो, POP पोर्ट नंबर, हाँ तो देखिए पोर्ट, डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होता है 110 होता है इसमें, और नन इनक्रिप्टेड पोर्ट इसका होता है 985। तो देखिए POP 3 का है ये, लेकिन POP 3 का है, POP 3 वर्क करता है आपका पोर्ट डिफ़ॉल्ट 110 पे, ठीक है। POP का कोई इसमें पोर्ट नहीं है, POP का देखिए नहीं दिया है क्या है, तो 110 नहीं होगा, आप इसमें टिक करिए POP का एप्लीकेशन लेयर में। लेयर विच प्रोवाइड सर्वर सर्विस टू द यूज़र, ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका बी, देखते हैं बी में क्या दिया है, सॉरी पहले कौन सा नंबर था, 7 था, POP वाले में आपका हो जाएगा M, और 7 में आपका J है, यहाँ पे कर लीजिए J में, देख लीजिए क्या दिया है, प्रोटोकॉल है, ठीक है, यूज़र प्रोटोकॉल 4.8 है आपका, इसमें B टिक कर लीजिए, B में देख लीजिए क्या ऑप्शन दिया गया है, इसमें HTTP दिया गया है, ठीक है। 9 है, दी प्रोटोकॉल प्राइमरी यूज फॉर ब्राउजिंग द डेटा TCP, ठीक है, HTTP, और SCTP यहाँ पे दिया गया, SCTP इज ए कौन सा प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, HTTP से ये नया देखे दिया यहाँ पे, SMTP नहीं, SCTP यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, इस प्रकार से सी इसका ऑप्शन बन जाएगा। अब इसी संदर्भ में आपको ज़्यादा थ्योरी हम दिखा देते हैं फटाक सानी, यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है, यहाँ पे एफ है, इसके यूडीपी आपका जो है यूडीपी से कनेक्शन
लेस ट्रांसपोर्ट लेयर है। देयर इज़ आ 1024 वेल नोन आपके पोर्ट होते हैं। द इंटरनेट इज़ आपका जी वैन हो गया। टू अचीव इसमें आपका के आ जाएगा, देखिए बाइनरी। नंबर ऑफ लिंक्स आर मैस में आपका यू हो गया। पोर्ट नंबर पी ओ पी का एच हो गया, देखिए 110 आएगा, ठीक है। यहाँ पे पी ओ पी एच इसमें टिक कर लीजिए, नंबर 6 में एच कर लीजिएगा 10, ठीक है। हमने आपको बताया होगा एच ही, देखिए यहाँ पे टिक किया है। हाँ, डुप्लीकेट एंट्री नाउ एच कर लीजिएगा इसका 110, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एच होगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा एम, आ जाएगा 7 में आ जाएगा एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। उसके बाद ही सेट ऑफ नोन इस जे इस प्रोटोकॉल हो जाएगा, और 9 में आ जाएगा HTTP यानी कि बी, और HTTP यहाँ पे सी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इस संदर्भ में होगा, ठीक है। मैच मैच कर लीजिए, वहाँ से मैच कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, यहाँ से भी आपका टू फॉल मैच द कॉलम जो है फिल इन द ब्लैंक्स आपका मैच हो जाएगा। अब आते हैं इसका जो लास्ट है पार्ट, वो देख लेते हैं उसमें किस प्रकार क्वेश्चन है। तो सिंपल सा पैटर्न दिया गया है 6, 5 और 4 का, यानी कि 6 और 4 10 और 5 15। देखिए ये 15 का पैटर्न आपका इस प्रकार से बनाया गया, और एक पैटर्न 5 5 5 का बनाया गया है, और एक पैटर्न 7 4 11 और 4 15 का पैटर्न। तो यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन देने के चक्कर में नाइलेट ने आपको छोटे पैटर्न दिए हैं। अब एक्सप्लेन करना है HTTP के बारे में बता सकते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ट्विस्टेड पेयर सिंपल सा, एक्सप्लेन दी शॉर्ट नोट POP3 के बारे में बताना था, ठीक है। और ये देखिए डिफरेंशिएशन बिटवीन प्योर अलोहा, ये भी आपका अलोहा का आपका फिर से क्वेश्चन आप पूछा गया। कंपेयर आपको करना है सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन में। एक्सप्लेन करना है आपको पैकेट स्विचिंग सर्किट, सारे क्वेश्चन आपको बताए गए थे। डिफाइन आपको करना है स्टार और रिंग टोपोलॉजी को, इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। लाइन मैन वैन की शॉर्ट बतानी है आपको, देखिए इसमें। फिर मल्टीप्लेक्सिंग WDM TDM, ये सारे क्वेश्चन आपको ये वाली क्लास में बताए गए थे, यहाँ उठा कर देख लीजिएगा, इसमें सारे क्वेश्चन देखे मिल जाएंगे, इसीलिए आपको ये बताई गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो ऐसा करते हैं आपका पेपर इसमें अच्छा गया होगा। 40 में से अब आपको कितने मिले हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, और आगे जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।